गाइस हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है बरेली टू पिथौरागढ़, और हाफ फैमिली हमारी जा रही है इस गाड़ी में। हाय। और एक गाड़ी पीछे आ रही है। अगर आपको बरेली से पिथौरागढ़ जाना है तो आप तीन तरीकों से जा सकते हो। एक तो वाया ट्रेन, उसके लिए आपको काठगोदाम या फिर लाल कुआ तक ट्रेन लेनी होगी, उसके बाद बाय रोड बस या फिर कैब से जाना होगा। दूसरा, अभी रिसेंटली फ्लाइट्स भी स्टार्ट हुई हैं, तो आप देहरादून या फिर पंतनगर से फ्लाइट्स भी ले सकते हो पिथौरागढ़ के लिए। और तीसरा ऑप्शन है कि आप बाय रोड जाओ बस के थ्रू या फिर कैब बुक करके। तो और अब हम लोग काठगोदाम पहुंच गए हैं और ये हमारे पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। ब्यूटीफुल उत्तराखंड देखिए। हम भीमताल पहुँच गए हैं और ये है भीमताल जिसे भीम ने अपनी गदा मार के बनाया। एक तरफ है पहाड़ और दूसरी तरफ है गहरी खाई। अभी हम थाना चूरी पहुंचे हैं और कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं। हमारे साथ बच्चे शिपू लक्ष्मी और माही। पहाड़ों का रास्ता बहुत घुमावदार होता है, तो आपकी गाड़ी कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट ऐसे मूव होगी, और इसलिए बहुत ज्यादा हैवी खाना नहीं खाइए, अदरवाइज आपको वॉमिटिंग फील हो सकती है। और वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन रखिए साथ में, और ऐसी चीजें रखिए जो वॉमिटिंग कंट्रोल करे। ओके, हिटो दीदी होय होय हिटो बुला, हिटो ए बैना घास काटना आ पाड़ी डाना, हिटो दीदी। जंगल में छोटी सी आग लगती है, फिर वो धीरे धीरे काफी बड़े एरिया में फैल जाती है, इसलिए हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम जंगल में कभी भी ऐसी कोई भी जलती हुई चीज सिगरेट या कुछ ऐसा ना फेंके जिससे जंगल में आग लगे। किसी की बारात जा रही है, शादी की तैयारियां चल रही है, और फाइनली हम लोग 10-11 घंटे की जर्नी के बाद पिथौरागढ़ पहुंच गए हैं। आज हम लोग यहीं रेस्ट करेंगे, पिथौरागढ़ मार्केट घूमेंगे, और उसके बाद कल यहां से 20 किलोमीटर आगे अपने गांव देवलथल जाएंगे। और ये है जिन्होंने हमको सेफ और अच्छी तरीके से बरेली से पिथौरागढ़ तक पहुंचाया। अपना नाम बताइए। इकबाल खान। हाँ, इकबाल खान। इकबाल खान जी, थैंक यू सो मच।
और यहाँ से व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल है। पूरा का पूरा पिथौरागढ़ का जो मेन मार्केट है, मेन एरिया जो है, वो यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। वाओ, और इतनी अच्छी हवा चल रही है अभी। आई लव उत्तराखंड। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इधर से, बहुत बड़ा पेड़ है। पूरा का पूरा पिथौरागढ़ का मेन मार्केट, मेन एरिया यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। और ये है ब्यूटीफुल से कॉटेज जिसमें आज हम स्टे करने वाले हैं और फिर कल यहाँ से अपने गांव के लिए निकलेंगे। अगर पसंद आया है आपको मेरा ये वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बाय बाय।